अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय के रूप में मनाया जाता है दशहरा। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, इसीलिए इस आश्विन शुक्ला दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। मधु कैटब, चंडमुंड, रक्त बीज और महिषासुर जैसे अनेक दैत्य जो हमारे अंदर ही रहते हैं, नवरात्रि तक हमने उन्हें अपने अंदर से निकाल कर बाहर किया और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। रावण स्वरूप यही दैत्य हैं जिनका दाह संस्कार आज किया जाता है और दश महाविद्या की पूजा अर्चा की जाती है। रावण न केवल महाज्ञानी था अपितु दश महाविद्याओं का ज्ञाता भी था और शिव जी का परम भक्त भी, किंतु एक लालसा थी कि सारे ब्रह्मांड में मेरी बड़ाई हो और चुभने वाली कोई भी अच्छी बात उसे बुरी लगती थी, जिसके कारण 10 प्रकार के पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी विकार पैदा हो गए और रावण का पतन हुआ। इन्हीं 10 प्रकार के पापों के परित्याग की सद प्रेरणा प्रदान करता है दशहरा। दशहरे का उत्सव विजय और शक्ति का समन्वय बताने वाला है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरा अर्थात विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसीलिए भी इसे विजयदशमी कहते हैं। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि। दशहरे के दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं, शस्त्र पूजा की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। यह शक्ति पूजा का पर्व है, शस्त्र पूजन की तिथि है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। हर एक व्यक्ति के शस्त्र अलग अलग होते हैं। विद्यार्थियों के लिए पेन पेंसिल, माताओं के लिए दही बिलोनी व चाकू, बेलन, व्यापारियों के लिए जमा पूंजी जो पासबुक अथवा चेकबुक के रूप में होती है, बड़े बुजुर्गों के लिए धार्मिक पुस्तकें। अपने अपने शस्त्र स्वयं निर्धारित करें आज के दिन। अब जानते हैं दशहरा आयुध पूजन एवं अन्य शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। विजयदशमी के दिन पूजा के लिए विजय मुहूर्त और रावण दहन मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:03 से 2:49 तक, जिसकी अवधि रहेगी 46 मिनट। बंगाल विजयदशमी रविवार अक्टूबर 13, 2024 को मनाया जाएगा। अपराह्न पूजा का समय रहेगा दोपहर 1:17 से 3:35 तक, इसकी अवधि रहेगी 2:19। इस अवधि में देवी अपराजिता और शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस समय में आपको अपने घर के रीति रिवाजों के अनुरूप शास्त्रों की पूजा, शस्त्रों की पूजा, ये सब करना चाहिए। अब शस्त्र पूजन विधि जान लेते हैं। विजय मुहूर्त में स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करें। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि को एकत्र करके हाथ में जल पुष्प आदि के साथ अपना नाम गोत्रादि के साथ संकल्प करें। मम क्षेमारोग्यादि सिद्ध्यर्थम यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थे गणपति मातृका श्री राम शिव शक्ति व सूर्य आदि देवता अपराजिता शमी पूजन अस्त्र शस्त्र आदि पूजनानि करिष्ये। पुष्पक्षत लेकर स्वस्ति वाचन गणेश पूजन करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ जगदम्बे,
आप सभी देवताओं में गुप्त रूप से निवास करती है। हे शक्ति रूपिणी देवी, आप हमारी सदैव रक्षा करें। आप शत्रुओं को दूर रखती हैं। देवी आपको नमस्कार है। आप हमारे भीतर के सभी शत्रुओं का शीघ्र ही दहन करें। यही प्रार्थना है हमारी। माँ, जिस प्रकार से आपने महिषासुर का नाश कर देवताओं की रक्षा की, उसी प्रकार अपनी खड़ग से मेरी व मेरे परिवार की भी सदैव रक्षा करें। आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। ऐसा कहकर माँ को पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं और फिर भगवान राम, शिव, शक्ति दुर्गा, गणेश और सूर्य आदि देवताओं का पूजन यथा संभव करें। आयुध शस्त्र जितने भी आपने वहाँ पे रखे हैं पूजा स्थल में, उनको प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को तिलक लगाकर पुष्प अर्पण कर देवी अपराजिता की आरती करनी चाहिए। इसके बाद भाई जो है वो बहन से विजय तिलक करवाएं और भाई के बहन जो है वो भाई के कान पर जौ या जो खेतरी हमने बोई थी पहले नवरात्रे को, उसमें से थोड़ी सी तोड़कर भाई के कान पर लगाएं। साथ ही 8 चिरंजीवियों को याद कर भाई को आशीर्वाद दें। भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग की कोई सीमा नहीं रहती। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। सायंकाल के समय पर सभी ग्रामीण जन सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने और समाज के रुधिर में वीरता का प्रादुर्भाव हो, इस कारण से ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। यदि कभी युद्ध अनिवार्य ही हो तब शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा ना कर उस पर हमला कर उसका पराभव करना ही कुशल राजनीति है। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते थे। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना जाता है। जो भी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों को अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित कर 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को अपने साथ लिया तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने भगवान की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसीलिए होता है। अब बात करते हैं दशहरे पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन यह पक्षी दिखे तो आने वाला साल खुशहाल होता है। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करें। अगर संभव हो तो इस दिन अपने घर में शमी के पेड़ लगाएं और नियमित दीप दिखाएं। मान्यता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के पत्तों को सोने का बना दिया था।
तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियां मिल जाएं तो उसे घर में लाकर कहीं सुरक्षित रख दे। इससे नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता। दशहरे के दिन लाल रंग के नए कपड़े या रुमाल से माँ दुर्गा के चरणों को पोंछकर इन्हें तिजोरी में या अलमारी में रख दें। इससे घर में बरकत बनी रहती है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। Press the bell icon to never miss a video from OneWorld News.